शिवराज सिंह चौहान सोमवार को श्योपुर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने बड़ौदा और विजयपुर में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए श्योपुर और विजयपुर के भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस दौरान सीएम शिवराज ने विजयपुर क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम अच्छे अंक लाने वालों को लैपटॉप देते हैं और ज्यादा अच्छे अंक लाने वालों को स्कूटी देंगे। कांग्रेस ने तो साइकिल भी छीन ली थी। जैसे माता पिता कहते हैं कि पढ़ लो बेटा चॉकलेट देंगे, वैसे ही मैं स्कूटी दूंगा ताकि बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा मिले और वो आगे बढ़ सके। बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। इस बार हमने तय किया है कि प्रत्येक परिवार में एक को रोजगार दिया जाएगा। इस तरीके के दावों के साथ चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान। हो जाए तो साइकिल के पैसे खाते में डालता हूँ, अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप देता है मामा लैपटॉप। कांग्रेस ने बंद कर दिए तो छुड़ा लिए थे लैपटॉप बच्चों से। अभी तक 75% पे देता था, अब 60% के नंबर मेरे बच्चे लाएंगे तो लैपटॉप दूंगा ताकि ढंग से पढ़ाई कर सके। और अच्छे नंबर लाए तो मामा आजकल स्कूटी भी दिलवाता है स्कूटी। कांग्रेस ने तो साइकिल तक छीन ली, साइकिल छीन ली कांग्रेस। मैं अपने बच्चों को स्कूटी दिलवाता हूँ, दिलवाऊंगा। लोगों का क्यों, मैं क्या, इसलिए कि बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा मिले। जैसे माता पिता पटाते ना, मान ना बेटा मैं चॉकलेट दूंगी, मैं कहता हूँ पढ़ लो बेटा मैं स्कूटी दूंगा ताकि मेरे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े, उनका भविष्य बेहतर बनाने का काम करना है, इसकी चिंता मुझे है।